हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक हमारा है अनलॉक 4, कोरोना और होम्योपैथी। सो फ्रेंड्स, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो ये है कि होम्योपैथी का यूज जब कोरोना में प्रिवेंटिव एज अ प्रिवेंटिव यूज किया गया है गुजरात में, तो एक बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिला है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये देखने को मिली है कि जो पॉजिटिव पेशेंट थे उनके जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट थे उसमें बहुत बड़ी मात्रा में होम्योपैथी को एज अ प्रिवेंटिव दिया गया, उसमें से 99% केसेस नेगेटिव आए हैं और सिर्फ 1% केसेस को बाद में पॉजिटिव फाइंड हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से। मगर हमको एक बात और इसमें ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि हमने होम्योपैथी ले ली है मतलब हम एक पूरी तरह से छूट गए हैं, खुले हो गए हैं कि हमें निश्चित कोरोना नहीं होगा। नहीं, आपको उसको साथ में एज अ प्रिवेंटिव अपने आप को जरूर, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, फेस मास्क का यूज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, इसके साथ में रेगुलर हैंड वॉश करना है, सैनिटाइजेशन करना है, ये बहुत चारों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। बट डेफिनेटली जो आर्सेनिक से हमको जो रिजल्ट मिला है वो बहुत अच्छा है और बहुत पॉजिटिव है। अगर आप जितनी अर्ली फेज में एज अ प्रिवेंटिव आर्सेनिक को रेगुलर स्टार्ट करें, मेरा आपसे सजेशन है कि उसको बिल्कुल स्टार्ट कर दें। उसको कैसे लेना है, आपको आर्सेनिक 30 लेना है, 6 ग्लोब्यूल्स सुबह, 6 ग्लोब्यूल्स रात को, 3 दिन तक लेना है, और फिर उसके बाद आपको उसको वीकली लेना है। तो वो आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको इम्प्रूव करती है और जो कोरोना से एक आपको एक बचाव का मौका देती है। इसके बाद एक और कुछ और बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हम लोगों ने पिछले दिनों देखा कि बहुत से लोग अब कोरोना को छिपाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को सर्दी खांसी बुखार है या ऐसे कुछ भी लक्षण आ रहे हैं तो वो उसको छिपा रहा है। मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इसको बिल्कुल भी छिपाने की गलती बिल्कुल नहीं करना है। आप लोगों को दो काम करना है। सबसे पहले, अगर आपको सर्दी खांसी बुखार इन तीनों में से कोई भी लक्षण आ रहा है, तो सबसे पहला काम यह है कि अपने आप को अपने परिवार से अलग करना, आइसोलेट करना है, है ना, और अगर हो सके तो किसी अलग कमरे में सेट होना है। दूसरा काम जो बहुत जरूरी है, अपना सबसे पहले जाके कोरोना की जांच कराइए। कोरोना की जांच कराने से ये होगा कि हम लोग को एक तो पहले ये पता चल जाएगा कोरोना है या नहीं, और उसके बाद यदि पॉजिटिव है तो हम लोग अपने पूरे परिवार को उस बीमारी से बचा पाएंगे। इसके अलावा खास करके हमारा से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान इसमें ये रखना है कि हमारे जो ओल्ड एज लोग हैं, बूढ़े लोग हैं परिवार में, समाज में, उनको हमें इस बीमारी से बचाना है और हमारे बच्चों को बचाना है। क्योंकि जहां इम्यूनिटी वीक है वहां ये बहुत जल्दी अटैक करता है और बहुत नुकसान कर देता है। क्योंकि हमने अभी ये देखा कि बहुत सारे हमारे यहाँ जैसे केसेस आ रहे हैं तो बहुत सारे लोग ठीक होके भी आ रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा परेशानी भी नहीं है। आदमी के मन में ये भावना आ गई है जब से ये केसेस बढ़े हैं कि यार ये तो सामान्य सर्दी बुखार है, कोई दिक्कत नहीं होती है और लोग अपने आप ठीक होके आ रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा विशेष मेडिसिन की जरूरत भी नहीं है। तो निश्चित ही ये बात सही है कि हमारे बहुत सारे लोग ठीक होके आ रहे हैं, मगर बहुत सारे जिनका थोड़ा सा भी इम्यूनिटी कमजोर है या किसी कोमॉर्बिडिटी के साथ में है, किसी को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, शुगर है, और तो इस तरह के जो लोग हैं, ओल्ड एज हैं, तो ये अगर इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं तो वो उनको बहुत उन केसेस में हमको बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल बीमारी को छिपाना नहीं है, स्वयं को आइसोलेट कर लेना है, टेस्ट कराना है, और टेस्ट की रिपोर्ट 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, किसी किसी कारण से कभी कभी लेट होती है, बाकी मैक्सिमम आ जाती है। तो जैसे ही हमारे पास रिजल्ट आ जाती है, रिपोर्ट आ जाती है, अगर नेगेटिव है तो बहुत ही अच्छी बात है, हम लोग वापस अपने एज अ रूटीन काम में लग सकते हैं, और अगर पॉजिटिव है तो जरूर हम एक बहुत बड़ा, अगर अपने आप को आइसोलेट कर लिया है हमने तो बहुत बड़ा काम करेंगे। अगले कम से कम जो भी जब तक रिपोर्ट नहीं आती है उतने लोगों को हम लोग इस बीमारी से बचा पाएंगे। सो मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, बीमारी को छिपाना नहीं है, जितना हो सके अपनी तुरंत जाँच कराइए और समाज को इस भयावह बीमारी से बचाइए। अभी हम लोगों ने देखा है कि भारत में जो पिछले 4 दिनों में वर्ल्ड में नंबर 1 हो गया है सबसे ज़्यादा केसेस में, वो कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही के कारण ही हुआ है। तो हमको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, गवर्नमेंट की मजबूरी है, क्योंकि कितने दिन तक लॉकडाउन रखेंगे, और हम लोग अपनी समझदारी से इस बीमारी से जीत सकते हैं।
प्लीज फ्रेंड्स, यही आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरा, होम्योपैथी एक बहुत अच्छा अच्छी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के रूप में सामने आई है, जहां हम लोगों ने न सिर्फ प्रिवेंटिव के रूप में बहुत अच्छा काम किया है, मगर जो ट्रीटमेंट पार्ट पे भी 3-4 जगह में 5 जगह में बहुत सारी जगह इसके टेस्ट हो रहे हैं और पेशेंट्स क्योर हो रहे हैं और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। उसके लेके मैंने एक वीडियो पहले बनाया है, आप लोग लिंक बॉक्स में जाकर उसको देख सकते हैं, या मैं नीचे एक इनबॉक्स कमेंट बॉक्स में भी उसका एक लिंक डाल दूंगा, वो भी आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी ने ना सिर्फ इस एपिडेमिक में बल्कि पिछले 200 सालों में जितने भी पैंडेमिक्स और एपिडेमिक्स हुए हैं उसमें बहुत अहम रोल प्ले किया है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू मिला है। सो आप लोग टच में रहें, मेरा चैनल आप लोग को अगर मेरी सही बातें सही लगती हैं, पसंद आती हैं, तो आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, कोई सजेशंस है तो वो दे सकते हैं, हम लोग लगातार उस पर काम कर रहे हैं। नियमित रूप से हम लोग हर संडे को एक मैं अभी एक वीडियो ज़रूर अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग कोई भी बात है, क्वेरी है तो बताएं। अगले संडे फिर मिलेंगे। टिल देन सी यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।